धनबाद के टिकियापाड़ा में बुधवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं का जुटान हुआ। सभी ने एक स्वर में धनबाद से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। बैठक में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, आम आदमी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में धनबाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह आमंत्रित थे। ये कार्यक्रम कांग्रेस के महामंत्री अफजल खान की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक कुमार सिंह ने कहा कि देश इस समय गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। लोकतंत्र को बचाने की बड़ी चुनौती है। इस बार कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं लौटी तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी से युवा परेशान है। परीक्षा तो देते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाता है। युवाओं की उम्र जारी है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोगों के नेता राहुल गांधी न्याय पत्र घर घर पहुंचाने और समझाने का आह्वान कर रहे हैं। उस न्याय पत्र में युवा, महिला, किसान, मजदूर सहित सबों के लिए बातें की गई हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है। देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अडानी अंबानी की संपत्ति में ताबड़तोड़ वृद्धि हो रही है जबकि गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। आज भारत में संविधान बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में सबको आहुति देनी चाहिए। धनबाद के लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह को विजय बनाने की ठान ली है क्योंकि इसी से देश मजबूत होगा। कार्यक्रम में धनबाद जिला कांग्रेस के महामंत्री अफजल खान, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बलराम महतो, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह, राजद महानगर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी, जिला कांग्रेस के सचिव निसार आलम, आप पार्टी के यूनुस अंसारी, राजेश कुमार, कांग्रेस के हीमा राजा, मोहम्मद अफजल, कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह, मोहम्मद अकबर हुसैन, मोहम्मद फुल इम्तियाज, मोहम्मद राजू हाजी, साबिर मोहम्मद, मोहम्मद खाली हुसैन सहित अन्य लोग मौजूद थे। टिकिया मोहल्ला में हमारे कांग्रेस जिला के महामंत्री अफजल खान जी ने अनुपमा सिंह को जिताने के लिए एक मैती सभा का आयोजन किया था। आज मैं इसी के लिए इधर आया हूँ। और जो देश की आवश्यकता है आज कि क्यों अनुपमा सिंह को जीतना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें जिस प्रकार से देश में अराजक की स्थिति बना हुआ है, नफरत का माहौल पैदा कर दिए हैं नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में, जो 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, 25 करोड़ जिसको कांग्रेस ने नीचे लाया था, उसको आज बहुत गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ को अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ की जनता 80 करोड़ जो है वो 5 किलो अनाज पर निर्भर है और वर्ल्ड के पैमाने पे जो अमीरों का आप रैंकिंग देख रहे हैं तो उस रैंकिंग में अंबानी और अदानी जैसे लोग आ गए हैं पूरे विश्व स्तर पर। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि गरीब का पैसा निकल करके और अमीर की तिजोरी में जा रहा है। तो उसी सब को लेकर के हम लोगों की असली लड़ाई वही है कि भाई कैसे ये संविधान बचेगा। संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। हक बनता है कि हम अपने सांसद से सवाल करेंगे कि तुम धनबाद के लिए क्या किए। तो मोदी जी से अगर कोई सवाल करता है तो हर आदमी का वोट जब मिलता है तभी वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज 2024 का जो चुनाव है ये पूरी तरह से देश बचाने का चुनाव है। तो आम जनता से मैं आपके माध्यम से एक ही अपील करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि देश बचाने में अपनी भागीदारी निभाइए। बाकी लड़ाई झगड़े फैसले हम लोग कर लेंगे 2024 चुनाव के बाद। देश बचेगा तभी हम और आप आपस में भी मिल सकते हैं, लड़ सकते हैं। अगर देश नहीं बचा, देश में गृहयुद्ध हो गया, दंगे हो गए, फसाद हो गए, आज जिस तरीके का ये बात कर रहे हैं उनका हर बात, एक एक बात आप कहते हैं राम मंदिर में बाबरी का ताला लग जाएगा, ये एक प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है? राम से श्रद्धा पूरे देश को है, देश के हर नागरिक को है, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग राम को मानते हैं। लेकिन राम मंदिर में बाबरी का ताला लग जाएगा ये कहना वो कहीं ना कहीं पूरे समाज में एक विद्वेष फैलाने जैसा, एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठ करके वो इससे बड़ा और कह सकते हैं कि माने अस्तर नहीं गिर सकता है।
तो मेरा देश की जनता से, धनबाद की जनता से खास करके अपील है कि अनुपमा सिंह को वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि अनुपमा सिंह एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई महिला हैं और एक पॉलिटिकल घराने से भी हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ कहीं न कहीं धनबाद की जनता को मिलेगा, जो कि पिछले 32 साल, थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, 32 साल 15 साल बाबू पशुपतिनाथ सिंह और 17 साल 6 महीना रीता वर्मा जी, ये दोनों यहाँ से बीजेपी का प्रतिनिधित्व किए हैं, लेकिन धनबाद की जनता कोई भी बता दे कि उनकी उपलब्धि या फलाना है। एक रीता वर्मा जब मंत्री थी तो एक चीज़ उन्होंने लाया एमपीएल को, लेकिन एमपीएल का बिजली का लाभ क्या धनबाद की जनता को मिल रहा है? नहीं। यहाँ के लोग पोल्यूशन खा रहे हैं, जो हाइवा चलता है एमपीएल के लिए उसमें सैकड़ों जाने चली गई कुचल के, लेकिन एमपीएल का बिजली जो है कहीं और जा रहा है। धनबाद के लोग आज भी 6-6, 7-7 घंटे अंधेरे में रहते हैं। तो आप अगर कह सकते हैं कि 32 साल हम पीछे चले गए, तो मेरा यही कहना है धनबाद के लोगों से कि आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो धनबाद का विकास कर सके और धनबाद के विकास में योगदान देने के लिए यहाँ के हर नागरिक का फर्ज है कि वैसे प्रत्याशी को विजयी बनाए। बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया है कि इंडिया गठबंधन को हम लोग मिल करके अपने प्रत्याशी अनुपमा सिंह को भारी मतों से विजयी बना के धनबाद से सांसद बना करके दिल्ली हम लोग पहुँचा दें, बस यही हम लोग का मनोकामना है। और पूरे धनबाद शहर को मैं यही माने बोलना चाहता हूँ कि अच्छे व्यक्ति को वोट दे करके और अच्छे इंसान माने इंसान की बहू को और उनके पूरे खानदान जो कांग्रेस का सेवा करते हुए आज ये धनबाद शहर से उनकी बहू को टिकट दिया गया है, मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ पूरे धनबाद के लोगों को कि उनको अच्छे से अच्छे भारी मतों से विजय बना करके भेजें। अफजल साहब की तरफ से एक जो है नुक्कड़ सभा या एक मीटिंग रखा गया था कांग्रेस को जिताने के लिए, और धनबाद में इससे पहले जैसा कि बताया गया है कि 3 बार जो है यहाँ का सांसद रीता वर्मा रह चुकी, 3 बार हमारे सांसद